फला व रब्बे का, तुम्हारे रब की कसम, ला युमिनून, वो शख्स मोमिन ही नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक वो अपने इख्तलाफात में तुम्हें हकम ना माने। ऐ मेरे नबी, जब तक वो तुम्हें अपने इख्तलाफात में अपना हकम ना माने। भाई बहुत लंबी गुफ्तगु हो सकती है मगर एक जुमला कहूं, उम्मत को विलायत अली से बड़ा इख्तलाफ क्या नजर आता है? तो फैसला मुस्तफा से ले लो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई वो कहते हैं कि चौथे नंबर पर, और ये कहते हैं कि पहले नंबर पर, वो कहते हैं कि उनके बराबर नहीं, ये कहते हैं कि सबसे ऊंचे। बात बात में झगड़ा करते हो, मुस्तफा से पूछ लो कि अली क्या है। तवज्जो चाहूंगा, सरकार से पूछ लिया जाए कि सरकार क्या फैसला सुना रहे हैं। मैं तालिब इल्माना लहजे में मुख्तसर जुमला ये कहूं कि अगर कोई मुझ तालिब इल्म से ये पूछे कि सरकार ने 63 बरस की नबवी जिंदगी में, ये भी मैं माफी मांगता हूं साहत मुकद्दस पैगंबर से कि 63 बरस की पैगंबराना जिंदगी नहीं है। अगर कोई आपसे कहे ना कि वो 40 साल के बाद नबी हुए, तो उनसे कहिएगा तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। ये उस वक्त भी नबी थे जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। लेकिन मुहावरतन अगर कह दूं कि 63 बरस की नबवी जिंदगी सरकार के एक एक लम्हे को मुसलमानों ने महफूज किया, उस एक एक लम्हे की हिफाजत को ही सुन्नतों का इहया कहा जाता है। वो एक एक लम्हे की हिफाजत है जिसे सुन्नत कहा जाता है। अगर मुझ तालिब इल्म से कहा जाए कि सरकार की 63 बरस की नबवी जिंदगी का खुलासा कीजिए जो दो जुमलों में, तो मैं दो जुमलों में ये कहूंगा कि नबी ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली पहुंचाया।